नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीवान जिले के जीवी नगर थाना इलाके के सलाहपुर गांव से, जहां पर एक पटीदार ने ही अपने पटीदार के माथे पर यानी कि पूरी तरीके से लाठी डंडे से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आपको बताते चले कि शुक्रवार की शाम में जो आलोक यादव है, अवधेश यादव का जो पुत्र है, वो फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल जो है गोरख यादव के गेहूं में चला गया। गेहूं की फसल काट करके रखी गई थी और इसको लेकर के शुक्रवार की शाम में ही विवाद हुआ था, लेकिन सुबह में जो अवधेश यादव हैं वो अपने घर पर बैठे हुए थे और इसी के दौरान गोरख यादव कुछ अपने लोगों को लेकर के लाठी डंडा लेकर के पहुँचे और उन पर सीधे तौर पर हमला कर दिया। लाठी डंडे से पीट पीट कर उनकी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें आपको बताते चले कि अवधेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि आलोक यादव और एक दो और भी उनके परिवार के सदस्य गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। हालांकि एक चीज़ आपको बताते चले कि इस घटना में जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगा है गोरख यादव, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज हेतु सिवान के सदर अस्पताल में लाया गया। हालांकि पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर जांच भी कर रही है कि ये बच्चों का खेल का विवाद है और उसमें जिस तरीके से ये घटना जो घटी, जो कि मौत के घाट उतारने का जो काम किया गया, ये एक बड़ी वारदात है और इसको लेकर के गोरख यादव भी जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हुए थे, जिन पर आरोप लगा था, बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया और एक दो लोग जो घायल हो गए उनका भी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और सुबह में, यह आपको बता दें, शनिवार की सुबह की घटना है और जिसके बाद आप देख सकते हैं समाजसेवी श्रीनिवास यादव भी पहुँचे हुए हैं सिवान के सदर अस्पताल में, तमाम मामलों की जाँच और छानबीन कर रहे हैं। हालाँकि पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस मामले की तह तक हम लोग पहुँच भी जाएंगे और तमाम बिंदुओं पर जाँच की जा रही है, न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि परिवारों में ही आपस में विवाद हुआ जिसमें जान चली गई, एक फुटबॉल को लेकर के गेंद चला गया और उसके बाद से इस तरह का विवाद सामने आ गया, इस तरह की बड़ी घटना घट गई है। एटीएन लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार, सिवान। अभी सिवान जिला के जीवी नगर थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना है जो सलाहपुर गांव है, जहाँ एक फुटबॉल मामूली सी बात के लिए के कल सुबह लड़का खेल रहा था, गेहूँ के खेत में फुटबॉल चल गया, उसके चलते विवाद हुआ पटीदार में, पर इतना विवाद हो गया कि सुबह उठते उठते खूनी संघर्ष हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गया और दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और दूसरों पक्ष में भी हल्का चोट लगा है, जिनका नाम है, जो व्यक्ति के मृत्यु हुआ है उनका नाम है अवधेश यादव, वो गंभीर स्थिति में घायल थे, जीवन सदर अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और उनका पुत्र है आलोक यादव, उनके चाचा है अवधेश यादव, राघव यादव गंभीर रूप से घायल है जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी है, वो भी हल्का चोट लगा था उसी क्रम में, वो भी लोग सिवान सदर अस्पताल में, उनका भी इलाज चल रहा है। बाकी मैंने वरीय पदाधिकारी से बात की कि इस केस में गंभीरता से जांच करके जो व्यक्ति दोषी है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजाए की व्यवस्था हो जाए। हम सिवान और बिहार के आम जनता से आह्वान करते हैं कि ऐसे ऐसी छोटी घटना को लेकर कहीं बड़ी विवाद न हो, आपस में बैठ बुझ कर सुलझा लिया जाए, ताकि आज जिसका घर चला गया, जिसका घर उजर गया, जिसका पति चला गया, जिसका बाप खत्म हो गया, उसको अब कौन देखने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं पूरे सिवान जिला और बिहार वासियों से अपील करूंगा कि जहां भी इस तरह की घटना हो वहां के स्थानीय लोग से बैठ बुझा कर सुलह कर खत्म करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटना न हो सके। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र, कंफर्ट स्टे जहां मौजूद है लग्जरियस रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल, सिवान मेरवा मेन रोड नियर दरोगा राय कॉलेज श्रीनगर सिवान। कॉल करें 8797773511 9263020725। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान, CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा, एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है।
सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़ियामाई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।